चित्र आनंद लेखनी ब्लॉक में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ हमारी भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधारभूत तो गायत्री मंत्र कहलाता है। प्रेरणा स्रोत के रूप में आज गायत्री मंत्र के बारे में मैंने अनेक ब्लॉक से अध्ययन करवाया है और गायत्री मंत्र का आज परिचय करते हैं और हमारी संस्कृति की प्रमुख आधार के रूप में भारतीय संस्कृति का आधार गायत्री मंत्र माना गया है। और गायत्री मंत्र में दोस्तों नमस्कार सबसे बड़ा मंत्र माना गया है और ओम भुवः स्वः यही इसमें ब्रह्मा के अवतरण की ब्रह्मा के मुख से निकले हुए शब्दों का संचार है। जब हम गायत्री मंत्र का वास्तविक ज्ञान हमारे अंतःकरण में आता है तो यह हमारे मानव जीवन की पवित्रता और शांति का सबसे बड़ा मूल आधार हमारे जो सुधी जन है वह इसको मानते हैं। और गायत्री मंत्र को भारतीय संस्कृति का सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना गया है। अगर हमारे संस्कृति के इसीलिए आज जो हमारी संस्कृति में धीरे धीरे विघटन की तरफ हम जा रहे हैं जिसमें हमको शुचिता के भावों का संचार करना है, अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए इस मंत्र की पराकाष्ठा को जान करके पवित्रता के मानक के रूप में अपने पूरे शरीर का की सिद्धि को सिद्धि प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है और इसकी श्रेष्ठता महानता का परिचय इसी बात से मिल जाता है कि यह संसार का सबसे प्राचीन मंत्र है। जब भारतीय संस्कृति की विश्व संस्कृति भारतीय संस्कृति ही विश्व संस्कृति थी, अन्य संस्कृतियों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब से आज तक इसे उपासना क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ। तो दोस्तों यह भले ही संस्कृत भाषा का भारतीय धर्म दर्शन का मंत्र माना गया है पर इस मंत्र का भाव सर्वव्यापी है और ये वैज्ञानिक आज के प्रतिस्पर्धा के युग में वैज्ञानिक भावों से भावों की पराकाष्ठा का द्योतक भी है। तो इसे उपासना क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। यह भले ही संस्कृत भाषा या भारतीय धर्म दर्शन का मंत्र माना गया हो पर इस मंत्र का भाव सर्वव्यापी है। अगर हम किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से संबद्ध रखते हैं तब भी सर्व गुण संपन्न और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पराकाष्ठा का द्योतक है। अगर इसकी सारता और गुणता का हम मनोभाव से वर्णन करते हैं जिसे हर भाषा हर संस्कृति का धर्म संप्रदाय के अनुयायी महामंत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। दोस्तों गायत्री मंत्र का ज्ञान पक्षी मानव जीवन में उच्च स्तरीय तत्व ज्ञान ब्रह्म विद्या जीवन जीने के श्रेष्ठ सिद्धांतों आदर्शों आदि का दिग्दर्शन कराता है। तो विज्ञान पक्षी योग और तप की विभिन्न जब साधनाओं को हम करते हैं तो साधनाओं को अपने में समेटे हुए हैं। जब हम इसके सार रूप को का अध्ययन करते हैं तो जिसके द्वारा मनुष्य अपने अंतराल की जो प्रसुप्ति होती है प्रसुप्त अवस्था होती है शक्तियाँ होती हैं छुपी हुई शक्तियाँ होती हैं
उनको जागृत कर, छुपी हुई शक्तियाँ या जो जिनमें चेतना नहीं रहती है, सुप्त अवस्थाएँ जिनको कहते हैं। तो मानव के से महामानव बनने में यह समर्थवान माने गए। तो इस मंत्र का स्वरूप दोस्तों, गायत्री मंत्र के बारे में सामान्य जनों से लेकर, सामान्य जनों से लेकर प्रबुद्ध स्तर तक, आम आदमी से लेकर के हम जो शुद्धि जन है, जो रात दिन मंत्रों भावों से सुजित रहते हैं, ज्ञानवान हैं, कि तक के लोगों की गहन जिज्ञासा का भाव पाया जाता है। तो गायत्री मंत्र के संबंध में जनमानस में बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हैं, जो सही ज्ञान के अभाव के कारण मानवता के परिवेश में मानव उस से खिल नहीं पाता है। तो संस्कृत भाषा के अनेक छंदों में गायत्री एक छंद है। गायत्री छंद में अनेक मंत्र वेदों में पाए जाते हैं, और किंतु गायत्री मंत्र एक ही है। गायत्री मंत्र वर्णों, जातियों या अन्य कारणों से कई रूप में इसका, इसके भावों का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो गायत्री मंत्र का सही स्वरूप इस तरह है दोस्तों, ओम भुव भू व ह स्व तत् तत्सवितरिणिं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भुव स्व तत्सवितं वर्णेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र कई भारतीय धर्मग्रंथों में आया हुआ है, परंतु भू 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 भुव स्व यानी सहित बहुत कम ही स्थानों पर है। वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ यह है, और वेदों में ऋग्वेद में दोस्तों व्याहृति सहित वह मंत्र है। अतः वेद यजुर्वेद में, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चार वेदों के में जो गणना की गई है, तो यजुर्वेद को ही इस मंत्र का आदि स्रोत माना गया है। और ऋग्वेद में और सामवेद में भी वह मंत्र बिना व्याहृति के है। यानी गायत्री के तीन चरण, नौ शब्द और 24 अक्षर इसमें संपादित है। तीन चरण, नौ शब्द और 24 अक्षर। मूल गायत्री मंत्र दोस्तों तत् वितरणेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी इतना ही है, इसी को त्रिपदा या तीन पद वाली गायत्री की संज्ञा दी गई है। गायत्री मंत्र के ये तीन चरण हैं, तत् सवितरणेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् के रूप में इन्हीं तीन चरणों में नौ शब्द समाये हुए हैं। तो दोस्तों, हमें सार रूप में अगर इसके अंतःकरण में हम जाते हैं, तब हमें अपने संस्कारों के जो ज्ञान है, उस ज्ञान की पराकाष्ठा को कभी नहीं, और इसी से हमारी चेतनाओं के भावों का संचार होता है, और हमारी सुषुप्त जो चेतनाएं होती हैं वह उसमें भावोक्तों के भावों का संचार होता है। तत्सवितं वर्णेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों की गणना भी उपरोक्त तीन चरणों की नौ शब्दों के अंतर्गत किए जाने वाले 24 अक्षरों का ही की होती है, जो गायत्री महाविज्ञान के अनुसार तत् स वि तुर व रे ली
यं भर्गो देव श धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। चारों वेदों के समस्त मंत्रों की रचना का आधार गायत्री मंत्र ही। जब हम इसका सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं दोस्तों, हमारे जीवन में एक नए भावों का संचार होता है। हम अंतःकरण की चीज़ों को सीखते हैं, अपना मन बनाते हैं। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र के चार चरण मानते हुए चार वेद उस आधार पर रचे गए हैं। जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो जब चार चरणों की बात उठती है तो तत् से पूर्व लगने वाले ओम भुव स्व भाग को ही एक चरण मान लिया गया है। और यहाँ इस तथ्य को विशेष रूप से ध्यान योगी है कि दोस्तों, भले ही व्याहृत भाग मूल मंत्र में अलग से जोड़ा गया है, किंतु उसे मिलाकर ही गायत्री मंत्र की समग्रता बनती है। इसीलिए यह वेद सम्मत माना गया है। गायत्री उपासना इसी समग्र मंत्र से की जाती है और गायत्री मंत्र के इस व्याहृत भाग ओम भुव स्व को लघु गायत्री मंत्र की भी मान्यता मिली हुई। तो पूरा गायत्री मंत्र दोस्तों, जिससे पढ़ने जपने जपते न बने, उसे लघु गायत्री मंत्र को प्रारंभिक दिनों में अपनाने, यानी जब हम शुरुआत, तो पूर्ण गायत्री मंत्र जाप के अभ्यास तक प्रगति करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का अजपा स्वरूप जो है, यानी स्वहम है, जिसे गायत्री की उच्च स्तरीय साधना के अंतर्गत अपनाया। गायत्री मंत्र की व्यापकता के बारे में अगर हम ध्यान से अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे मानव जीवन में शारीरिक मानसिक अस्वस्थता और स्वस्थता तथा जीवन के अन्य दायित्वों की पूर्ति के लिए जो अनिवार्य कृत्य नित्य करते पड़ते हैं वे नित्य कर्म कहे जाते हैं। और प्राचीन काल से ही आत्मिक शांति और प्रगति के लिए गायत्री मंत्र उपासना की नित्य कर्म में अनिवार्य रूप से सर्वोपरि स्थान मिला हुआ है। और गायत्री मंत्र सार्वजनिक उपासना मंत्र है और यह सार्वभौमिक है। जब इसे भले ही हिंदू धर्म का भारतीय धर्म के अनुयायियों का मंत्र समझा जाने लगा तो किंतु अब भी नित्य पूजा और उपासना क्रम में परमात्मा से सद्भावना का मांग, सद्भावना के लिए भावों का सृजन करना, भावों का जाप करना हर धर्म संप्रदाय अनुयायी इसको करने में समर्थवान रहे, जो गायत्री मंत्र की प्रेरणा है। हमारे जीवन में एक प्रकार की प्रेरणा के भावों का संचार होता है। तो गायत्री मंत्र ही एकमात्र गुरु मंत्र है दोस्तों। गुरु आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश को संज्ञा दी गई है, वह शिष्य की आत्मिक प्रगति इसी मंत्र के ज्ञान और विज्ञानमय विज्ञान पक्ष के माध्यम से कराने के भाव हैं। तो गायत्री मंत्र में दोस्तों पारस कल्प पक्षी कामधेनु ब्रह्मास्त्र आदि कहा गया है, यानी पारस पत्थर अमूल्य होता है, कल्प पक्षी हमेशा फल देता है, कामधेनु गाय हमेशा दूध, कभी भी कमी नहीं रहती है, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा का अस्त्र जो है कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो ये उपलब्धियाँ साधक को गायत्री मंत्र की सच्ची उपासना से प्राप्त होती है। तो गायत्री मंत्र संध्या मंत्र है,
संध्या अर्थात संधिकाल का विशेष वेला, जो चाहे दिन हो रात हो संध्या सुबह शाम या ऋतुओं की संध्या हो, ग्रीष्म है शरद है, जो भी नवरात्र या चैत आश्विन समयों में गायत्री मंत्र की विशेष महत्ता या उपासना अनुष्ठान करने के अभाव, तो बाहरी वातावरण को की शुद्धता के साथ आंतरिक इंद्रियों के भाव, इंद्रियों को की सुषुप्ति को जगाने के लिए इस मंत्र की महत्ता का वास्तविक वर्ण हम तब करने में कामयाब होते हैं जब इसकी उपयोगिता को हम समझने में समर्थवान होते हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र की विशेषता, गायत्री मंत्र सिस्टम प्रार्थना मंत्र है, सभी धर्म और समुदाय में प्रार्थना को विशेष महत्व मिला हुआ है। और प्रार्थनाओं में दोस्तों सद्भाव सद्बुद्धि ही प्रार्थना का विशेष रहस्य है। तुलसीदास ने जगत जननी से प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र में भाव को अभिव्यक्ति करते हुए कहा, ताते जुगपद कमल मनावहूँ जा सुकृपा निर्मल मति पाऊँ, ताते जुगपद कमल मनावहूँ जा सुकृपा निर्मल मति पाऊँ, निर्मल मति पाऊँ, यानी वे आगे कहते हैं जहाँ सुमित्रा संपद नाना जहाँ कुमित्रा विपद निदाना, यानी गांधी जी भी अपने हर दिन को प्रार्थना में बोलते थे, सबको सन्मय दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मय दे भगवान। इस्लाम धर्म भी कहता है कि अल्लाह हम तेरी ही वंदना करते हैं, हम यानी सीधा मार्ग दिखाकर कुरान सूरा अल फातिहा बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्ध में अथवा विवेकशीलता की शरण में जाने का स्पष्ट संकेत। तो जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म आदि सभी धर्म मतों में विवेकशीलता के स्वरूप में गायत्री की कोई स्वीकारने की बात कही गई है। तो धर्म दोस्तों अगर हम आज के परिवेश में आज के मानव का जो मानव विकास की और विकसित मानव के रूप में अगर हम मानवता की वास्तविकता का सृजन करें तो मानव धर्म सबसे सर्वोपरि है, ये भी हमारे साहित्य की संरचना के अनुसार है। तो गायत्री मंत्र यज्ञ करने का प्रधान मंत्र है, किसी भी तरह का धर्म संस्कार यज्ञ अनुष्ठान आदि हो उसमें गायत्री मंत्र की आहुतियों का विशेष स्थान होता है। अगर हम यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, तो उसमें गायत्री मंत्र की प्रासंगिकता के मंत्रों का, गायत्री मंत्र में परमात्मा के गुणों को समझने तथा उन्हें धारण करने की विशेष प्रार्थना की है। इससे प्रत्येक मानव मंत्र के अंतःकरण में आस्तिकता के सच्चे स्वरूप का सृजन होता है और इसे अपनाकर श्रेष्ठ मानव बनने की हमें ताकत मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है। गायत्री मंत्र का मात्र स्वरूप, गायत्री मंत्र का भावार्थ जिस प्रकार है, उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी धियो यो न प्रचोदया पापनाशक दिवस रूप परमात्मा की इस अपनी अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें, ये गायत्री मंत्र का मुख्य अर्थ है। उपरोक्त मंत्रों का जब हम पहले सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसमें गायत्री माता का वर्णन तो कहीं नहीं आया है, तो फिर गायत्री माता कैसे उपासी हुई, गायत्री माता का स्त्री स्वरूप कैसे बन गया, अनेक प्रकार के भाव मानव चिंतन में आते हैं। तो सभी का समाधान करना हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। तो यह सच है कि दोस्तों गायत्री मंत्र में परब्रह्म को संबोधित किया गया है, किंतु ब्रह्मा परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप पुरुषाकृति के रूप में ही माना जाता है।
यह नितांत गलत है तो नारी शक्ति मात्र शक्ति को महत्ता विशेषता को देखते हुए यदि ऋषियों ने परमात्मा को माँ माना है तो उसमें बुराई किसी बात की नहीं, सभी में अच्छाई है, क्योंकि माँ से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। गायत्री मंत्र शक्ति का भंडार है और शक्ति जागरण के लिए, अतः शक्ति शब्द से के लिंग स्त्रीलिंग को देखते हुए गायत्री माता की मान्यता यथार्थी है तो अवास्तविक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में विभूति योग में समस्त दिव्य आत्माओं को विश्व दिव्य विभूतियों को अपना स्वरूप बताते हैं, जिनमें स्त्रीलिंग पुलिंग दोनों तरह की विभूतियाँ विराजमान हैं। इस स्त्रीलिंग पुलिंग के चक्कर से परमात्मा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता और परमात्मा को ही एक आदर्श मान्यता गायत्री माता के रूप में की गई, तो यह मान्यता बहुत ही पुरानी नहीं है दोस्तों, आर्वाचीन नहीं है, नई नहीं है, यह बहुत पुरानी है, बहुत ही प्राचीन है। वेद भी स्तुता यथा स्तुता मया वरदा वेद माता यानी कहकर वेद माता का उपासना करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं, अर्चना करते हैं। तो महाभारत में दोस्तों वंदे वेद मातरम यानी कहकर इस आद्य शक्ति परमात्मा के मातृ स्वरूप गायत्री को पूर्ण मान्यता मिली हुई है और जो तपस्वी है, सिद्ध जन है, साधक है, सुधी जन है, अनेकों को अपनी भावना श्रद्धा के आधार पर परम शक्ति का साक्षात्कार हुआ है। तो आदि शंकराचार्य आदि शक्ति के तीन स्वरूपों में ब्राह्मी वैष्णवी सांभवी का निर्धारण कर त्रिकाल संध्या का विधान बताया गया। तो ब्रह्मा के साथ दोस्तों गायत्री का संबंध माना गया है, जिनका मतलब यही है कि सृष्टि का जब सृजन हुआ था, ब्रह्मा जी ने जब सृजन किया था, तब इस शक्ति के द्वारा हुआ सृजन करने वाली शक्ति होने के नाते इसे जननी माँ कहा जाए लोग कुछ तो यह सबके लिए हितकारी है। विभिन्न रूप में अगर हम नाम देते हैं गायत्री शक्ति को सावित्री शक्ति के रूप में मान्यता देते हैं, एक ही शक्ति तत्व से चैतन्य पक्षी को गायत्री मंत्र, जड़ पक्षी या पदार्थ पक्षी को सावित्री के रूप में भी जाना गया है। यही उस आदि शक्ति के गायत्री सावित्री दो रूप है, इन्हीं दो रूपों में के आधार पर एकमुखी और पंचमुखी गायत्री की मान्यता शास्त्रों में विराजमान है। पदार्थों का प्रतिनिधित्व पंच तत्व करते हैं, पंच तत्वों से सृष्टि एवं शरीर की संरचना होती है और इन्हीं से शरीर में पंचकोशों का भी संबंध रहता है। आदि शक्ति के इसी प्रकृति पक्षी का को गायत्री के पंचमुख में चिन्हित किया गया है। तो चैतन्य सत्ता की दृष्टि से यह एक ही है, जिसे वेद माता, देव माता या विश्व माता कहते हैं। तो गायत्री ही ब्रह्मा और ब्रह्मांड व्यापी प्राण शक्ति है और कुंडलिनी शक्ति की जागृति का स्वरूप है। गायत्री शब्द का अर्थ है प्राणों की रक्षा करने वाली यानी विश्वगत प्राण चेतना। यज्ञ की नौ दुर्गाओं में एवं 24 प्रमुख देवियों के रूप में भी सूक्ष्म स्तर से विवेचना इसमें की जाए तो उनके असंख्य स्वरूप मिलते हैं, जिनका थोड़ा सा परिचय गायत्री सहस्त्र नाम में पाया जा सकता। तो गायत्री माता अवतारों और महामानवों की उपास्य है। गायत्री माता उन अवतारी देवताओं की भी आराध्य है जो जिनके भक्त अपने इष्ट को सर्वोपरि महत्व देते हैं और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने भी गायत्री माता की उपासना की थी। समस्त ऋषियों की उपासना का आधार गायत्री मंत्र भी रहा है। अगर हम
पुराने शास्त्रों की का नियमित रूप से अगर अपनी दृष्टि को डालते हैं तो संसार के अधिकांश महापुरुषों ने इसके ही आशय में मैं आत्मिक प्रगति के उच्चतम सोपानों पर बढ़ने में सफलता पाई। तो दोस्तों, गायत्री शक्ति का हमारे जीवन में सर्वोपरि स्थान है, और तभी तो भारतीय धर्म के अनुयायी जो थे सिर पर शिखा के रूप में धारण करते हैं। आज कल युग में इसका धीरे धीरे लोप हो रहा है, तो हृदय पर कंधे पर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करना और धार्मिक क्रियाएं गायत्री मंत्र स्मरण की पर प्रारंभ होती है। वो हम भी दोस्तों आदिशक्ति गायत्री की उपासना में श्रद्धा भावनाओं से लगते इसके लाभ उठाए। मैं इनके भावों को उतारने की के भावों का संचार करें, अपने संस्कारों को परिमार्जित करें, परिरक्षित करें, और जो आने वाली पीढ़ी हमारी है अगर हमको आदि शक्ति नारी शक्ति और मात शक्ति की महत्ता को विशेषता को हम अपने अंतःकरण में जाग लेंगे तो स्तुता मया वरदा वेद माता कहकर वंदे वेद मातरम। तो आदि शक्ति को नमस्कार करने की प्रेरणा हमारे अंतःकरण में जागेगी, जिसके परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और श्री कृष्ण ने भी गायत्री माता की उपासना की है, ऐसे हमारे शास्त्रों में विधान मिलते हैं। तो पंचकोशों में भी इसका संबंध बताया गया है और आदि शक्ति में इसी प्रकृति पक्ष को गायत्री के पंच रूप में चित्रित किया गया है। तो गायत्री ब्रह्मांड व्यापी प्राण शक्ति है एवं कुंडलिनी शक्ति भी है। तो इस प्रकार दोस्तों गायत्री मंत्र के से हमारे आध्यात्म का जागरण होता है, और इसीलिए जो सुधी जन हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, जो वेद शास्त्रों की मर्यादा को जानते हैं, जो विज्ञान की पराकाष्ठा में भी खड़े उतरते हैं, वो गायत्री मंत्र शक्ति के भंडार और उसकी शक्ति के जागरण के भावों को जानते हैं, और नारी शक्ति मात्र शक्ति और महत्ता की विशेषता उनके अंतःकरण में पूर्ण रूप से समाहित है, और यही हमारी एकमुखी और पंचमुखी गायत्री की मान्यता शास्त्रों में विराजमान है। तो जब हमारे अंतःकरण में गायत्री मंत्र के वास्तविक ज्ञान का हमारे अंतःकरण में सृजन हो जाता है तो हम अनेक प्रकार के कर्म भावों के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए परमात्मा की आसक्ति में लीन होकर के अपने कार्यों को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके स्वयं के और अपने परिवार और समाज के साथ देश में व्याप्त जन जन तक सुसंस्कारों की अभिव्यक्ति और गायत्री मंत्र के सौजन्य से मानव चेतना को जगाने का कार्य कर सकते हैं। प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों आज अनलेखनी ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। मैं सबके उज्ज्वल भविष्य के लिए कहता हूँ कि हमें गायत्री मंत्र के नियमन और उसके उच्चारण को पढ़ते से हमारे जीवन में जो शांति और मानव चेतना के शुद्धिकरण और पवित्रता के भावों का संचार होता है उसके सार रूप को समझ करके अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने के साथ साथ इसको अपना आधार बनाएंगे तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्यों पर, अपने कर्तव्यों के निहित, अपने ज्ञान की पराकाष्ठा और अपनी बुद्धि विवेक के माध्यम से परमात्मा की आसक्ति के स्वरूप को अपने अंतःकरण में विराजमान करते हुए सर्वशक्तिमान बन सकते हैं, सर्वगुण संपन्न बन सकते हैं।
और ओम भूव स्व तत्सवितरणेयं भर्गो देवस्य धीमे धियो योन प्रचोदयात्। यानी उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देवस्य रूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इन्हीं भावों से हम अपने जीवन को शुभता की ओर अग्रसित करके अनेक प्रकार के लोक कल्याण का कार्य और परमात्मा की आसक्ति को जानने में अपने बुद्धि विवेक का सही संयमित रूप से निर्धारण करने में कामयाबी हासिल कर सकें। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें।